नमस्ते, व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज ऋषिकेश सीरीज का पार्ट 4 और आज की डेट में बहुत कुछ होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक देखिए और आपको 300 रुपए कमरे से लेकर ऋषिकेश एक जगह आनंद उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ हमारे कैंप के बाहर आते हमें मिला ये रिवर साइड कैंप। अब देखते हैं नीचे जाके अंदर कुछ है तो। गाइस, ये है रिवर साइड कैंप, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग आपको 2 से 2500 रहेगी पर हेड। अगर आप सीजन ऑफ सीजन में आते हो तो ये आपको 1400-1500 में भी मिल जाएगा। तो आप ये भी कर दो, और मैं कहूँगा यही करो आप। तो अब हम आ चुके हैं रिवर में, यहाँ पे राफ्टिंग कर रहे हैं लोग, दिखाता हूँ आपको। देखो ये राफ्टिंग कर रहे हैं, कल हमने करी थी, सैडली वीडियो तो मिली नहीं। भाई मेरा नेक्स्ट टाइम कभी भी बनता है ऐसे किसी रिवर साइड तो मैं रिवर साइड कैंप ही करने वाला हूँ, या ऊटी साइड अगर बनता है तो वहाँ तो यार कैंपिंग ही करेंगे। कैंपिंग बहुत सही चीज़ है, कर सकते हो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं, ये कतई बीच टाइप व्यू है, ब्रिज बना हुआ है। देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये भाई बहुत सही है, आप रिवर साइड लेना, मैं भी रिवर साइड देखूंगा। फर्स्ट टाइम था मेरा तो इसलिए ले लिया वहाँ पे। बाकी ये सब देख लेना कैंप कूम का, अगर आपका बजट नहीं मान रहा तो आप ले सकते हो थोड़ा रिवर दूर और आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी भाई सही मजा आ रहा है, यहाँ पे रेत है पूरी। चलो बाकी अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे टैक्सी उक्सी का, अभी थोड़ा यहाँ पे इंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सिनेमैटिक दिखाता हूँ। रिवर साइड बीच देखने के बाद हम चल दिए वापस ऋषिकेश में, ऋषिकेश घूमने और उसको ज्यादा एक्सप्लोर करने। तो गाइस हमें टैक्सी मिल चुकी है, अब हम जा रहे हैं नीचे ऋषिकेश। भाई एक्सपीरियंस एक नंबर का था, आप भी लेना एक्सपीरियंस। इसके बाद हम सबसे पहले गए अपनी धर्मशाला, जिसका प्राइस था जस्ट 300 रुपीज। आइए दिखाता हूँ आपको कैसी है। तो गाइस अब फाइनली हम इधर आ चुके हैं अपनी धर्मशाला में। डिसेंट रूम है, रूम का प्राइस है 300 रुपीज पर डे। आपको बैक एंड पूरा दिखाता हूँ रूम, और सही अगर आप आ रहे हैं अगर एक रात के लिए भी रुक सकते हैं। 300 में कुछ नहीं जाता भाई, अब पर हेड नहीं है ब्रो, पूरा रूम 300 है, डबल बेड है, 3 लोग रुकोगे 300 रुपए में पड़ जाएगा। ये देखो ऐसा कुछ रूम है गाइस, और हम 4 लोगों ने 75 डिवाइड कर। त्रिवेणी घाट यहाँ पे हम थोड़ा नहाएंगे और देन हम जाएंगे राम लक्ष्मण झूला पे। तो दिखाता हूँ आपको त्रिवेणी घाट कैसी है। सो गाइज अभी हम यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, वहाँ से शूज शॉप आएंगे और फिर चलेंगे लक्ष्मण झूला राम झूला, देखते हैं आज क्या करते हैं। सो अब चलते हैं। सो गाइज हम यहाँ पे तो मार्केट में आए ऋषिकेश के, मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे मार्केट का सीन है गाइज, खाली बड़ी यार मार्केट तो। ये उनके लिए है ना? हाँ ये एक्चुअली ना नेटिव्स के लिए है जो यहाँ पे रहते हैं, जो एक्चुअली टूरिस्ट की मार्केट, जो गाइज टूरिस्ट मार्केट है ना वो राम लक्ष्मण झूले के पास मिलेगी। भाई ने होरन तक नहीं दिया विष्णु दत्ता, तो राम लक्ष्मण झूले के पास मिलेगी। और ये है नेटिव्स के लिए जो ऋषिकेश रहते हैं, हमें यहाँ तक ऐसे लग रहा है। तो बाकी हम ये पीक सीजन है वैसे तो खाली पड़ी है, बाकी देखते हैं कुछ मिलता तो दिखाते हैं आपको। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गुरुद्वारे। यहाँ पे हेमकुंड साहिब जी का गुरुद्वारा है, सो हम वो देखने जा रहे हैं, वहाँ आपको दिखाता हूँ। वहाँ हम लंच करने जा रहे हैं। भाई तुम जहाँ भी रहना वहाँ गुरुद्वारा मिल गया ना तो लंच जरूर कर, जो भी खाना जरूर खाना, हमने मिस्टर भी यही किया था, अब हम याद करके रहे साले। तो गाइज अभी हम आए यहाँ पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो गाइज अभी हम वहां से आ गए हैं और मैंने ज्यादा वीडियो बनाई नहीं क्योंकि यार ऐसी जगह की वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए भाई। तुम आओ यहाँ घूमो और वो महसूस करो फील को। मैं टेम्पल्स की ज्यादा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जाता हूँ भाई, तुम उस जो यहाँ पे फिर हो। बाकी मैं तुम्हें टूरिस्ट प्लेसेस तो दिखा ही रहा हूँ। चलो अब चलते हैं आगे, हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, वहाँ भी मैं तुम्हें कभी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेन राम झूला लक्ष्मण झूला ही। सो गाइस अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं अंदर, मैं वही वीडियो में बनाता नहीं आपको वही बताया कि आप आओ यहाँ फील करो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, बहुत अच्छी जगह गाइस,
बाकी मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। गाइस अभी हम यहाँ पे लंगर चख रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है। तो बाकी तुम बताते तो मास्क तो यहाँ पे बोल रहे हैं, होल तो मैं दिखा नहीं सकता, तुम्हें पता है प्राइवेसी। चलो मैं तुम्हें मिलता हूँ खा के। सो गाइस अभी हम जस्ट लंगर चख के आ चुके हैं भाई, तुम आ रहे हो तो जरूर आना, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। और अब हम पीनी प्रसाद ले रहे हैं और यहाँ पे अकोमोडेशन का भी है, वो पता कर लेना जब तुम्हारे उस हिसाब से किस टाइम वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। मेरे ख्याल से फ्री है, बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा कि फ्री है, यहाँ पे आ जाएगा पता कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर फ्री है या पेड़ है, पेड़ है तो कितने, ठीक है तुम यहाँ भी रह सकते हो गुरुद्वारे में भाई, आओ एक बार तो आओ। तो बाकी अब हम जा रहे हैं आगे राम लक्ष्मण झूला घूमने और फिर हम अपनी ट्रेन पकड़ के घर चल लेंगे। चलो चलते हैं भाई। सो गाइस अभी हमने पता करा है पेड़ है 1180 और नॉन एसी का 500, सही है यार, पेड़ भी बहुत सही है यार। बाकी उसमें 4 से 5 लोग आई थिंक रह सकते हैं, वो तुम्हें वहीं पता लग जाएगा, तो तुम 2-3 लोग तो बात कर लेना। बाकी यार होटल से बेटर है यहाँ पे, क्योंकि होटल का ऐसे यार मिलता है नहीं। चलो बाप आगे चलते हैं। सो गाइस हम दोनों पहुंच चुके हैं राम झूला, हमारे ठीक सामने है राम झूला। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊं तो एक आयरन ब्रिज है, अरे उसको भी किसको राम झूले को ओ भाई, ये डेड एवल देखो, ये बंदा भाई तैर के गया पूरा, डेड एवल डेविल जो भी है। और यहाँ पे भाई बहुत गहरा है, कितना 10-15 तो है ना भाई बीच में, तो अराउंड होगा। और सामने हमारे है राम झूला, आपको दूर ज्यादा लग रहा है बट हमें पास है, तो हम फटाफट राम झूला पहुंचकर आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम है वहाँ पे। भाई राम झूला के आसपास ऐसी बोट भी चलती है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं और रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। जब हम एंटर हो चुके हैं राम झूले की मार्केट में, ये है टूरिस्ट मार्केट, वो तो भाई नेटिव की थी और बिल्कुल खाली थी, तो ये आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हमने लोकल से पूछी भाई इसकी स्टोरी तो बताओ, वो कहते गाइड कर लो, मतलब ये कौन सी बात हुई, थोड़ी वो स्टोरी भी नहीं बता सकते। तो भाई मैं नीचे लगा कुछ लिंक्स अटैच कर दूंगा, तुम भी देख लो, क्योंकि मैं विकी वीडियो से देख के बताऊंगा, इससे बेटर तुम ही पढ़ लो, ठीक है ना। बाकी मैं थोड़ा बता दूं, विकी कह रही है कि आयरन ब्रिज है जो 3.2 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश टाउन से, कितने कार है, बाकी तुम बाकी पढ़ सकते हो, तुम्हें भी पढ़ना आता है। अबे ओ खोपड़ी साइड कर। तो गाइज अभी हम हैं राम झूले पे और हम आगे जा रहे हैं, वहाँ बीच भी है, बीच कहेंगे ना, हाँ छोटा बीच कह लो जो मर्जी कह लो, और मार्केट भी है उधर, हम मार्केट में जा रहे हैं, देन हम स्ट्रेट करेंगे राम लक्ष्मण झूला। भाई उधर से है ना रास्ता, ठीक है भाई, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है ब्रो। शिवम तेरा भाई शिवम है भाई, एक नंबर जगह, नीचे से रिवर ना बोट नहीं जा रही है, लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, कलम ने भी करी थी, तो वहां चलते हिल रहा झूला। बाकी यार मेरे को भी पता होने चाहिए इसकी स्टोरी, मैं भी पढ़ूंगा विकी आज रात बैठ के। तो गाइस हमने अभी अब राम झूला अपना फोटो सेशन कर लिया है और अब हम दोनों भाई जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। अबे ओ कहाँ देख रहा है, देख मत्ता, मैं अभी कहाँ देख रहा है, ये मेरे को पता कहाँ देख रहा है, बता दिया ना बेटे, घर क्लास लगेगी बहुत गंदे वाली, बता दू नहीं नहीं बता दू, समझ जाओ बस कहाँ देख रहा होगा, यहाँ राम झूले पे और क्या ही देखने के लिए। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ, शिवम है भाई कहाँ जा रहे हैं, लक्ष्मण झूला भाई, चल वहाँ जाके मिलते हैं गाइस आप लोगों को। सो गाइस ये जो राम झूला के साइड में बीच था, अब हम वहां पे आए हैं, यहाँ देखते हैं बीच पे, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बीच का, भाई बहुत सही जगह है, बहुत ये है गाइस कुछ बीच का व्यू, भाई सही में बीच बना रखा है यार, ये तगड़ा ही बीच बना रखा है। गाइज हम यहाँ ऋषिकेश में भाई, पता ही पूरी आंधी आ रही, नदी का भाव देखो भाई,
क्यों नहीं तैयार? एक मिनट रुक, मैं इनको भाव दिखाता हूँ। भाई इतने देर भाव, ये देखो भाई नदी का भाव, भाई अभी डबल डबल हो गया इससे, और हवा बहुत तेज चल रही है। दिखाता हूँ ये देखो भाई, बहुत आंधी आ रही है, बहुत तेज आंधी। ओ भाई भाई गाइस, सामने हमें फॉरेनर्स भी मिलते हैं यहाँ पे, विद फैमिली आते हैं घूमने, और ये व्यू इज गुड व्यू। तो गाइस नाउ वी आर ऑन लक्ष्मण झूला, और उसकी मार्केट से हम जस्ट गुजर रहे हैं। तो ये मार्केट भाई तगड़ी है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट आपको सब चीज मिल जाएगी। बट मैं कहूँगा जो आप बाहर त्रिवेणी घाट की मार्केट है ना, वहाँ पे आपको सस्ता पड़ जाएगा। और लक्ष्मण झूला यहाँ पे आपको एजेंसी मिल जाएंगी, एजेंट मिल जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला में, वो आपको दिखाता हूँ मैं कैसा सीनरी है उसका। गाइज हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला, और यहाँ ज्यादा भीड़ है राम झूला के कम्पेरिजन। आप लोगों को तो पता ही है ऋषिकेश आए और लक्ष्मण झूला ना आया, ऐसा हो सकता है? चलो दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइज यहाँ चल रही है आंधी, और ये टोल रहा है। मेरे को नहीं आती भाई ये हमारी, और ये फुल डोल भाई यहाँ लेके आता था। और बहुत गंदा डोल रहा है भाई। ये लक्ष्मण झूले के बाहर निकलती मार्केट है, और यहाँ स्टेयर्स बनी हुई है, हम स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं, बस पता नहीं कहाँ निकलेंगे, बस जाए जाने जाए जाने। देख सकते हैं यहाँ से भी बहुत कुछ है, ना ही लो तो बेटर है। गाइस एक टिप दूंगा, इससे ही बोलते हैं यहाँ पे भाई वेंडर से कुछ मत लेना, लूटेंगे भाई तुम्हारा, बहुत गंदे वाला। 10 kg या 50 में मिलती है, और बार्गेन करके वो 50 rupees की मिलती है, डबल रेट तो मिलेगी मिलेगी, तो इससे बेटर है तुम बाहर से ले लो। अगर ब्लॉक कर रहे तो यार ये और जाते जा रहे हैं, पता नहीं है कितना मुश्किल होता है ब्लॉक करना। ए गाइस हम जा रहे हैं स्टेशन पे, और हम हो चुके हैं लेट भाई, ट्रेन अगले 20 मिनट में और 10 मिनट लग रहे हैं शायद एज पर गूगल मैप। देखते हैं ट्रेन पकड़ते हैं, और हालत होती है खराब, पीछे बैग आगे बैग, और भाई कम से कम भी 30 kg है, हालत खराब है। अब देखते हैं कि तुम्हें अपडेट देता हूँ कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे। ये तो सीरीज हो गया भाई, क्या हम ट्रेन पकड़ पाएंगे? बिल्कुल हाँ ये कह रहे बिल्कुल, चलो चलते हैं। गाइस फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है, यहाँ से ट्रेन है, और हम टाइम पे पहुँच चुके हैं। शिवम ब्रो कैसा लग रहा टाइम पे पहुँच के? भाई थकावट हो रही है भाई, अभी तो रुके नहीं है भाई, जैसे रुकेंगे ना बहुत हीट निकाल लेगा हमारा शरीर बहुत ज़्यादा। हम होटल में रुके थे ना सामान उठाने के लिए, बहुत हीट नहीं। चलो भाई हम ट्रेन में चढ़ते हैं, और भाई पहुँच गए। चलो ये हमारा कोच गाइस B2, और ये एंट्री एसी कोच है। पहले मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा दूं, वॉशरूम ठीक है, इसका क्लीन है पिछली वाली से भाई, पिछली वाली का बहुत बेकार था यार, मतलब ट्रेन सेम थी बस स्लीपर क्लास कोच था। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं इस साइड शायद वेस्टर्न होगा मेरे ख्याल से, जी हाँ वेस्टर्न है। ये सिंक है वही सेम सिस्टम, मतलब ठीक है यार। और ये इसको मेरे को लग रहा है 90 डब्बे दिए गए हैं,
जो आजकल चल रहे हैं या पता पुराने मेरे ख्याल से। और ये मैंने दरवाजा खोला, ये पूरा कोच है, आपको दिखाऊं तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, थ्री टायर है, ये सारे हो रहे हैं एसी बस। तो गाइस हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया, अभी मैं आपको इसका टूर देता हूँ बाहर से, बस यही था, हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया, आगे देखते कौन सा स्टेशन आता है अभी मैं हो रहा। सो गाइस अभी हम ढूंढ रहे थे पेंट्री कार, पर ट्रेन में हमें पेंट्री नहीं मिली, अब देखते हैं क्या होता है, चलो अपने कोच में चलते हैं। सो गाइस अभी आया स्टेशन रायवाला जंक्शन। तो इसके बाद गाइस हम सो गए थे क्योंकि मैं लगभग 8-10 किलोमीटर ऋषिकेश के अंदर चल के आया था, क्योंकि जाम बहुत था वहाँ पे, इसलिए हमें चल के आना पड़ा था, और पहाड़ पे चलना आसान बात है। तो इसके बाद हम सो गए, थके हुए थे, और फिर सीधा जाके हमने अपने स्टेशन पे आँख खोली। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर नहीं करा तो करके जाना, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ और नई सीरीज के साथ।